समय था दूसरे विश्व युद्ध के अंत का। एक औरत 32 आदमियों के साथ पैसिफिक आइलैंड पर फंसी हुई थी। उन आदमियों के बीच उस औरत को पाने के लिए कई झगड़े हुए। सभी उसका ध्यान आकर्षित करने की होड़ में थे। वो औरत समय समय पर अपना साथी बदलती रहती, जिसके बाद उसके पहले साथी की हत्या की जाती। उस लोन ट्रॉपिकल आइलैंड पर वो अकेली औरत एकमात्र प्यार, साजिश और नफरत का स्रोत बन गई थी। 6 खून और अनगिनत झगड़ों के बाद जो लोग बचे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो औरत उन सभी खून और झगड़ों के लायक नहीं थी, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। पर वो औरत आइलैंड से भागने में कामयाब रही। उसने उस रिमोट आइलैंड पर उन 32 आदमियों के साथ बिताए चमत्कारी जीवन के बारे में जब बाहरी दुनिया को बताया, तब वो काफी चर्चा में आई। उसका नाम था काजुको हिगा। काजुको हिगा उर्फ क्वीन ऑफ एनाथेहन की कहानी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह सच है। एनाथेहन पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। शुरुआत में इसे स्पेनिश द्वारा कॉलोनाइज किया गया था। बाद में उन्होंने इसे जर्मन्स को बेच दिया, जिन्होंने बाद में इसे जापानियों को बेच दिया। जापानियों ने इस आइलैंड पर नारियल के बागान बनाए। काजुको हिगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नारियल के बागानों की देखभाल में मदद करने के लिए अपने पति शुइची हिगा के साथ अनाथान पर आई थी। हालांकि उस बीच उसका पति लगभग 120 किलोमीटर दूर एक आइलैंड साइपिन पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला गया। उसने एक महीने के भीतर लौटने का वादा किया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। जून 1944 में अमेरिकन द्वारा 3 जापानी जहाजों को डुबो दिया गया। डूबते हुए जहाजों में से 31 नाविक और सैनिक अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और तैरते हुए अनाथान पर पहुंचे। लगभग सभी की उम्र 20 साल के आसपास थी। जुलाई 1945 तक अमेरिकन मरीन्स आइलैंड पर पहुंचे। उस दौरान सभी जापानी आइलैंड पर छिपे रहे। अमेरिकन मरीन्स ने जो बगानों में काम करने वाले 45 कैरोलिनियंस थे, उन्हें पकड़कर ले गए। अब पूरे आइलैंड पर सिर्फ जापानी बचे थे, 32 आदमी और एक औरत। जो 32वां आदमी था वो था बागान का मैनेजर किकुइचिरो हिगा, जिसका सरनेम भी काजुको के पति की तरह सेम था। उसने काजुको को कहा कि वो अगर नाविकों से बचना चाहती है तो वो उससे शादी कर ले। तो इस वजह से काजुको ने उससे शादी की। अब वो सभी बचे हुए लोग आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए चमगादड़ छिपकलियों को मारकर खाने लगे। सितंबर 1946 में जापानियों को अमेरिकन बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस का मलबा मिला, जो जनवरी 1945 में आइलैंड पर क्रैश हुआ था। उस मलबे में उन्हें मछली पकड़ने के हुक्स, चाकू और यहाँ तक कि गॉगल्स तक मिले, और मिली तो 45 कैलिबर ऑटोमेटिक पिस्टल्स। इन दो पिस्टल्स ने अनाथान का माहौल ही बदल दिया। पिस्टल्स के मिलने के तुरंत बाद काजुको के नकली पति मैनेजर किकुइचिरो को मार दिया गया। फिर काजुको ने दूसरे आदमी से शादी की, हालांकि 20 दिन बाद उसकी भी डूबकर मौत हो गई। इसके बाद काजुको ने और 4 आदमियों से शादी की और उनमें से हर किसी की हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर आइलैंड पर 13 लोगों की मौत हो गई। 1950 में उन बचे हुए आदमियों को एहसास हुआ कि वो जिसके लिए एक दूसरे का खून कर रहे थे, वो ही उनके मरने का कारण है। तब सभी ने काजुको को मारने का फैसला किया। हालांकि काजुको को उनमें से किसी ने टिप दी कि वो मरने वाली है, इस वजह से वो वहां से भाग निकली और जंगल में जाकर छिप गई। वहां उसने एक गुजरते हुए अमेरिकन जहाज को सिग्नल दिया और उसे बचा लिया गया। अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1952 में 1000 से भी ज्यादा लोग क्वीन ऑफ अनाथान का स्वागत करने के लिए योकोहामा के घाट पर आए। यह नाम मीडिया ने उसे दिया था। जापान में पहुंचने के बाद उसका जीवन कुछ खास नहीं सुधरा। उसे एक स्ट्रिपर और प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। न्यूज़पेपर्स और थिएटर्स को अपनी कहानी बताते हुए वो एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी बन गई थी। उसकी 1971 में 51 साल की उम्र में मौत हो गई। अपने आखिरी समय में वो कूड़ा उठाने का काम करती थी। काजुको की कहानी से इंस्पायर्ड होकर जोसेफ वॉन स्टर्नबर्ग ने 1953 में अनाथान नामक एक फिल्म बनाई। इसके अलावा उसकी कहानी के बारे में कई किताबें भी लिखी गई।